स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, यानी कितने प्रकार के रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस। तो देखिये, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ाया था उसी के जैसे है। केवल ये अंतर होता है कि अगर मैं बोल रही हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस आप निकालेंगे तो किसे कहते हैं, वो किस प्रकार से, अभी तक जो आप डेल कह रहे हैं दिस इज अ एवरेज, ठीक है, एवरेज रेट है जिसे हम इससे डिनोट करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का एवरेज रेट क्या है, डेल से डिफाइन किया जाता है। सपोज थोड़े से पिछले वीडियो में से एक टॉपिक ले करके मैं उसको समझाती हूँ। हमें इक्वेशन दी गई C2H5 गैसेस फॉर्म में और 4NO2, इसके द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगी, तो एक बार आपका वो भी रिवीजन हो जाएगा और एवरेज रेट निकालना भी आपको आ जाएगा। तो देखिए, ये भी गैस फॉर्म है, ये भी गैस फॉर्म है। अब इसमें आपने क्या करना है, N2O2, तो मैं लिखूंगी पहले ये वाला, देखो N2O5, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट, और NO2 और O2 ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। तो मैं इसका पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का निकालूंगी, फिर इसी प्रकार से मैं दूसरे का निकालूंगी, किसका, NO2 का और O2 का। तो हम सबसे पहले निकालते हैं N2O5 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5, इसका निकालना है, ठीक है, इसकी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस N2O5 का, कि इसकी क्या डिसअपीयरेंस होगी, रेट की दर N2O5 की। तो दिस इक्वल टू आपने लिखना है डेल N2O5 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस, आपको मालूम है ये माइनस क्यों होता है, जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, हर समय जो रिएक्टेंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर समय क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी वो बढ़ते हैं। तो रिएक्टेंट डिक्रीज होने के लिए यहां पे माइनस चिन्ह हो गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक बाहर से नेगेटिव लगा दिया जाता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस NO2, दिस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहां पर NO2 रेट ऑफ चेंज NO2 अपॉन डेल्टा टी, और इसी प्रकार से रेट ऑफ अपीयरेंस O2, तो यह आ जाएगा चेंजेस ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी। अब हम इस पूरे को, अभी की दिया कि जो औसत दर है वो क्या होगी, यानी उसका जो एवरेज रेट है वो क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने पहले इसका लिखा माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल्टा टी। अब हम क्योंकि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का लिख रहे हैं तो हमें इसकी जो स्टाइकोमेट्रिक्स है उसको, उससे क्या करना, डिवाइड करके इसको कैलकुलेट करना एवरेज रेट के लिए। तो यहां पर आ जाएगा आपका, क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कितनी है, 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, ठीक है, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, जितना वो मल्टीप्लाई उतना ही वो डिवाइड हो जाएगा, ताकि रेट ऑफ रिएक्शंस आपका कैलकुलेट या बैलेंस हो जाए। तो यहां पर 4 है तो 1/4, फिर लिखेंगे डेल NO2 रेट ऑफ चेंज ऑफ NO2, दिस इक्वल, फिर यहां पे कुछ नहीं है तो लिखा डेल O2 अपॉन डेल्टा टी। तो कोई भी अभिक्रिया अगर टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस है और उसमें मैंने एवरेज रेट आपको निकालना सिखाया है, तो ये जो डेल दिख रहा है आपको, ये इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो हम एवरेज रेट ऐसे निकालते हैं, तो ये स्टाइकोमेट्रिक्स उसको मल्टीप्लाई करके उसका जो बैलेंस होता है वो उतना ही रह जाता है जितनी उसकी वैल्यूज होती है। तो ये आपका एक फाइनल है
एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए। तो हमने इस प्रकार से आपको सिखाया कि एवरेज रेट क्या होता है। तो किसी भी चीज का, किसी भी अभिक्रिया का जो एवरेज रेट है वो उसका एक फाइनाइट टाइम पर, कौन से टाइम पर, फाइनाइट टाइम पर, फाइनाइट टाइम पर जितने टाइम डिफरेंसेस में वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाता है। तो यहाँ पे फाइनाइट टाइम, तो ये कहलाएगा आपका। अब इसे ग्राफ के द्वारा हम सीखते हैं, अब हम इसको ग्राफ के द्वारा सिखाते हैं कि किस प्रकार से एवरेज रेट कैसे निकाला जाएगा ग्राफ से। तो यहाँ पर आप लिखिए डिटरमिनेट एक्सपेरिमेंट ऑफ द डिटरमिनेशन ऑफ द रिएक्शन रेट, किस प्रकार से हम रेट ऑफ रिएक्शंस प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए निकालते हैं। ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, रिएक्टेंट में यहाँ पे T1 पर ये नीचे की ओर कम होता चला जा रहा है, तो ये यहाँ पे C1 है और T2 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C2। यहाँ पे ये टाइम है और यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने रिएक्टेंट के ग्राफ के लिए हमने सबसे पहले T1 पर C1 कॉन्सेंट्रेशन लिया और T2 पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, C2। अब क्योंकि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस है वो है डेल सी ओवर डेल टी, तो डेल सी यानी C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, मगर ये पूरा का पूरा माइनस होगा क्योंकि रिएक्टेंट में हर समय क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये इस प्रकार से माइनस चिन्ह लेंगे ताकि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाए, किसी भी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसमें आउट ऑफ में क्या करते हैं, बाहर की ओर एक माइनस चिन्ह लगा देते हैं। अब इसी ग्राफ में आप देखिएगा, दूसरा ग्राफ बना रही हूं मैं, जब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट के लिए बनाया आपने, किसके लिए बनाया, प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए बनाते समय यहां पर आपने लिया T1 टाइम और ये C1, फिर ये ऊपर की ओर गया और ये ऐसे बना, ये T2 और ये C2। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है और ये आपका टाइम है। तो इस प्रकार से जब इसमें कॉन्सेंट्रेशन लिया तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां पर आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल सी ओवर डेल टी इज इक्वल टू C2, अगर C2 माना है तो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, मगर ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। तो कहने का अर्थ है किसी फाइनाइट टाइम पर, अगर आप फाइनाइट टाइम पर निकाल रहे हैं तो फाइनाइट टाइम यानी T2 माइनस T1 पर उसकी जो रेट, उसका कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंसेस है वो C2 माइनस C1 है, और इस प्रकार से उसके अगर अभिकारक C2 एंड C1 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट हो गया और एक इसका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शंस किसके लिए, एवरेज रेट के लिए। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हमें क्या लेना होता है, डेल लेना होता है। अब हम आते हैं, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस है, यहाँ पे आप इसको हेडिंग में लिख भी सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस हमने क्या करना है, अभी आपने देखा ये केवल फाइनाइट, किस टाइम के लिए है, ये फाइनाइट टाइम के लिए। अगर ये फाइनाइट टाइम के लिए है तो हम किसी पॉइंट पर अगर निकाल रहे हैं तो वो पॉइंट जिस पर कि उसको निकाला जा रहा है वो क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, टाइम डिफरेंसेस नहीं है। तो यहां पर अगर मैं निकाल रही हूं तो इसका ग्राफ देखिएगा आप, ग्राफ के द्वारा समझिए, ये इसका टाइम है और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इधर वाला, ठीक है। तो यहां पर हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में इस पर्टिकुलर टाइम पर मैं निकाल रही हूं पी पॉइंट पर, और ये टाइम कितना है टी, ये पॉइंट कितना है पी और ये टाइम कितना है टी, और यहां पर ये ऐसे करके आपका ग्राफ किया, ठीक है, बी पॉइंट तक। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस
रेट कहलाता है। कौन सा रेट कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो पर्टिकुलर टाइम के लिए इसको निकालना, क्योंकि डिफाइंड नहीं होता है तो वहां पर इसे निकालना क्या होता है, पॉसिबल नहीं होता है, यानी वो इतनी स्पीड से होता है कि हम उसे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो ग्राफ के द्वारा ये दिखाता है कि पी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जहां पर इसका हमने क्या निकाला, इंस्टेंटेनियस रेट निकाला। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो आप डेल सी ओवर डेल टी, उस वक्त जो डेल्टा टी होता है, टी टेंस टू क्या होता है, जीरो होता है, यानी उस टाइम पर जब आप उस टाइम को डिफाइन ना कर सके उस वक्त रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी के लिए क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा टी टर्न्स टू जीरो, तो यहां पर हम इसको ऐसे लिखते हैं डीसी ओवर डीटी। यानी अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएट कहलाता है, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड डिफ्रेंशिएट ऑफ टाइम। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पर जब वह रेट ऑफ चेंज हो रहा हो, ठीक है, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा हो, तो उस वक्त अगर आपका टी टर्न्स टू जीरो है तो डीसी ओवर कितना हो जाएगा, डीटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस ये कहलाता है, जिसमें कि आप इसको यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू टर्न्स टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ये आपका हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टी टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी जितना डिफरेंसेस हुआ तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपका डीसी ओवर डीटी एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस है, और इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस ये है। अब मैं इसको एक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि कैसे आप इसको न्यूमेरिकल में दिखाएंगे। सपोज आपको एक रिएक्शन क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है और आप उसको देखिए किस प्रकार से आप इसे निकालेंगे। तो एक न्यूमेरिकल हम इसमें करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल है आपके पास, नोट डाउन कीजिए, न्यूमेरिकल्स यहां पे लिख के मैं दे रही हूं, 2NO प्लस Br2 गिव्स आउट 2NOBr। यानी निम्न अभिक्रियाओं के लिए अगर ये जो रिएक्शंस दी है, इन सभी रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक और उत्पाद, ठीक है, रिएक्शंस सभी अभिक्रियाओं तथा उत्पादों के पदों में औसत निम्न में, ठीक है, यानी इतने में सभी अभिकारक तथा उत्पाद के पदों में औसत तथा तात्क्षणिक दर को व्यक्त क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। यानी फॉलोइंग दिस ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस फॉर्म, इन दोनों को यानी इस अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट और जो आपके पास रिएक्टेंट्स है इनका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के फॉर्म में इसे क्या करना है, व्यक्त करना है कि ये किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले हमने देखो एक रिएक्शन लिखी, NO प्लस Br2 गिव्स आउट 2NOBr, और एवरेज रेट यानी औसत दर हो जाएगा माइनस हाफ, समझा रखा है, रेट ऑफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा टी। ठीक है, ये एवरेज रेट निकल गया। इसी प्रकार से इक्वल करके, क्योंकि इक्वल में लिखते हैं, लिखेंगे हाफ, हाफ आएगा, नो, रेट ऑफ चेंज Br2 अपॉन कितना जाएगा डेल्टा टी, दिस इज आल्सो माइनस, इज इक्वल टू
यहाँ पर रेट ऑफ चेंज एन ओ बी आर अपॉन डेल्टा टी ये पॉजिटिव आएगा और साथ में 1/2 भी आएगा, क्योंकि इसका इस टाइप को मैट्रिक्स कितना है 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसको यहां पे 2 से क्या करेंगे डिवाइड करके क्या करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन पूरी तरीके से एवरेज रेट की फॉर्म में निकाल रखी है। अब आते हैं इसी वाली रिएक्शंस को किसमें निकालने में इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या निकालेंगे तो लिखेंगे, दोबारा से लिख रही हूं, -1/2 डिफरेंशिएट ऑफ एन ओ अपॉन डी टी। ठीक है, डी ओ डी टी दिस इक्वल माइनस डी, फिर लिखा बी आर टू अपॉन डी टी, और दिस इक्वल फिर लिखा 1/2 डिफरेंशिएट ऑफ एन ओ बी आर अपॉन डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है और ये क्या एवरेज रेट है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या अंतर है, ये डेल है और ये क्या है डी है। तो डी जो आप डिफरेंशिएट मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि किसी एक ऐसे टाइम के लिए जब हम इसे डिफाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम जब जिस टाइम पर हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते तो वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है, यानी वो इंस्टेंटेनियस टाइम कहलाता है। दूसरे शब्दों में समझो जो टाइम को आप डिफाइन ना कर सके। तो यहां पर आपका ये मैंने करा दिया आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ, तो ये हो गया आपका कंप्लीट कि किस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस में दिए गए न्यूमेरिकल्स में आप एवरेज रेट और दोनों ही रेटों को किस प्रकार से निकालते हैं। बाकी आपको मैंने ये ग्राफ के द्वारा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस समझा दिया है कि पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप निकालेंगे तो उस वक्त डेल्टा टी टेंड्स टू क्या 0, यानी टी वो छोटा सा टाइम जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं तो हम उसे क्या कर देते हैं टी बना देते हैं, टी इज इक्वल टू क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। तो इस प्रकार से C2 - C1 / C2 T2 - T1। तो आपका इस प्रकार से मैंने ये कैलकुलेट किया। अब आते हैं इस क्वेश्चन में ही अगले क्वेश्चंस को आप जैसे न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे तो कोई दूसरा क्वेश्चंस मैं आपको कराना, आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर है, तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा फॉर्मेट है कि किस प्रकार से आप निकाल रहे हैं और ये क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं थर्ड, इनिशियल रेट। इनिशियल रेट क्या कहलाता है इसके बारे में आपको पहले में जो मैंने आपको दो टॉपिक पहले पढ़ा दिए, पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ाया था एवरेज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस जिसको आप डेल से दिखाते हैं। ठीक है, डेल सी ओवर डेल टी, क्लियर हो गया। और ये इस प्रकार से इसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है डेल सी ओवर डेल टी। अब हम दूसरा था इसमें आपको जो मैंने बताया कि किस प्रकार से डेल सी ओवर डेल टी के बाद आप निकालते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये कहलाता है डीसी ओवर डीटी। समझ में आ रहा है, या फिर इसको हम लिखते हैं डीसी ओवर डीटी एट द लिमिट ऑफ टी टर्निंग्स टू 0 पर। ये जो पूरा होता है यही आपका डीसी ओवर डीटी कहलाता है। ये एक फाइनाइट टाइम पर होता है, ये किस पर होता है फाइनाइट टाइम पर, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस होता है वो एक इंस्टेंट टाइम पर होता है। ठीक है, अचानक आपसे पूछ दिया जाए कि यहां पर आप निकालिए इस पॉइंट पर, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लाएगा डीसी ओवर डीटी से, इसे दिखाते। ये मैथ्स में कैलकुलेशन में भी यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डीसी ओवर डीटी एट द टाइम टी टर्न्स टू 0, तो ये डीसी ओवर डीटी। अब हम आते हैं इनिशियल में, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस क्या कहलाता है। इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस यदि मैं किसी ग्राफ के द्वारा आपको समझाना चाहूं तो ये इस तरीके से बनेगा, और इसमें हम यहां पर इसको जब मैं यहां लेके जा रही हूं तो ये टाइम है और ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो इसको सी से दिखा दिया, इसको टी से दिखा दिया। तो इस प्रकार से जब ग्राफ बनाया जाता है तो ये कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाया गया ग्राफ है,
अब कोई पॉइंट आपका ए है यहाँ पर, तो कंसंट्रेशन ऊपर की ओर जो बनाया गया है वो आप देखिए किसी बिंदु ए पर ये उसको क्या कर देगा, उसके सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो हम कहते हैं कि जो इनिशियल रेट है, तो इनिशियल यानी प्रारंभिक इनिशियल रेट कब आएगा, जब केमिकल रिएक्शंस क्या होगी शुरू ही हुई होगी, व्हेन केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होगी तो उस वक्त रेट ऑफ टाइम क्या होगा, रेट ऑफ टाइम कितना होगा आपका t इज इक्वल टू जीरो। तो अचानक पूछा गया यानी इंस्टेंटेनियस रेट पर, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस पर अगर आप उसको t टर्निंग्स टू जीरो पर, यानी जिस वक्त उसका टाइम क्या होगा जीरो होगा, व्हेन द केमिकल रिएक्शन स्टार्ट, रेट ऑफ टाइम उस वक्त कितना होगा t इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो यही आपका क्या कहलाता है इनिशियल रेट कहलाता है। तो आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे उन टॉपिकों में आपने बहुत अच्छी तरीके से एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, इनिशियल रेट, इन सब के मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपके इन क्वेश्चनों को लूंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनिशियल रेट आपकी समझ में आ गया होगा, व्हेन द केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट यानी जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगी उस वक्त रेट ऑफ टाइम क्या होगा जीरो। तो जिस क्षण आपको पूछेंगे यानी कुछ ना कुछ तो उसका रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त टी यदि टर्न्स टू जीरो करता है तो डीसी ओवर डीटी यानी इंस्टेंटेनियस रेट में टी टर्न्स क्या है जीरो। तो इस प्रकार ये आपका इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स।